दोस्तों यूपी का श्रम कार्ड या लेबर कार्ड का जो पोर्टल था बंद था, काफ़ी दिनों से बंद था। अभी यह पोर्टल वर्किंग में आ गया है। इस पोर्टल पे आप न्यू आवेदन कर सकते हैं, किसी का भी लेबर कार्ड या श्रम कार्ड बना सकते हैं। आप जो श्रम कार्ड है उसका रिन्यूअल कर सकते हैं, उसकी डेट बढ़ा सकते हैं। आप यहाँ से योजना का आवेदन कर सकते हैं, यहाँ से श्रमिक कार्ड का जो सर्टिफिकेट होता है उसे डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ बदलाव हुआ है दोस्तों, पहले ये था आपके आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर लिंक नहीं था, तब भी आपका यहाँ से रजिस्ट्रेशन हो जाता था या आवेदन कर लेते थे। बट यहाँ पे कुछ चेंजेस आ गए हैं इस पोर्टल पे। यदि आपके आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर लिंक है और आपके पास में है, तभी आप योजना का लाभ ले सकते हैं, क्योंकि आधार बेस ओटीपी हो गया है। आपके आधार कार्ड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाता है, जब भी आप यहां से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या आप किसी का भी रिन्यूअल कर सकते हैं, योजना का लाभ ले सकते हैं, श्रमिक का सर्टिफिकेट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जान लेना है यह पोर्टल यहाँ से कैसे लॉग इन होता है। तो आपको इस साइट को यहाँ से नोट कर लेना है, upvocw.in। तो यहां से एक क्रोम ब्राउजर खोलेंगे, यहां से यह टाइप कर देंगे इतना सब। तो उसके बाद में आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद में यह साइट थोड़ा सा स्लो चलती है, फिलहाल यह साइट यहां से ओपन हो जाती है। अब ओपन होने के बाद में थोड़ा सा इसका डाउन आएंगे तो आपको यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आता है, श्रमिक पंजीकरण जो भी है आपको यहाँ से अच्छे से पढ़ लेना, नहीं पढ़ पाओ तो इसे यहाँ से क्लोज कर देना है। दोस्तों यहाँ से आप किसी का भी जो पंजीकरण है, श्रम कार्ड है या लेबर कार्ड, यहाँ से बना सकते हैं। तो आवेदन पे क्लिक करेंगे तो किसी का भी आप घर परिवार में जो भी है लेबर कार्ड या श्रम कार्ड को उसे बना सकते हैं, वो भी आसान तरीके के साथ में। उनका आधार नंबर डालेंगे, यहाँ से मंडल चुनेंगे, स्टेट होता है उसे चुनेंगे, और मोबाइल नंबर कैप्चा यहाँ से डालेंगे, और यहाँ से जो आगे की जो डिटेल होती है उसे फिल करेंगे, तो आपका यहाँ से लेबर कार्ड जो होता है 1 से 2 दिन में बन जाएगा। उसके बाद में आपको जो लेबर कार्ड है उसकी आप डेट बढ़ाना चाह रहे हैं, रिनोवल करना चाह रहे हैं, उसका भी आप यहां से कर सकते हैं। जैसा कि किसी लेबर कार्ड का आपने बना दिया है, उसको रिनोवल नहीं किया है, तो वो वहां से एक्सपायर हो जाएगा जब तक आप यहां से रिनोवल नहीं करेंगे। तभी आपको यहां पे श्रम कार्ड का जो भी बेनिफिट होता है, लाभ होता है, तभी आपको यहाँ पर मिलता है। तो पंजीकरण नवीनीकरण पर ओके करेंगे तो यहाँ से जो आपका लेबर कार्ड है उससे हम यहाँ से रिन्यू कर सकते हैं, खुद से भी कर सकते हैं, CSC जनसेवा केंद्र से भी यहाँ से करा सकते हैं। वो आपको पंजीकरण संख्या डालना है, कैप्चा डालना है, और जो आपके आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर लिंक होगा उसका एक OTP आता है। OTP डालने के बाद में आपको एक यहाँ पे एक घोषणा पत्र अपलोड करना पड़ता है, तभी आपका यहाँ पे जो रिन्यूअल है, तभी आपके जो आपका जो फॉर्म है रिन्यूअल तभी होगा और आपकी जो डेट है बढ़ जाएगी। और उसके बाद में आप यहाँ से योजना का भी आवेदन कर सकते हैं, जैसा कि आप किसी भी योजना में आप यहां से आवेदन कर सकते हैं। योजना का आवेदन करने के लिए आपको यहां पे ओके कर देना है। यहां पे दोस्तों ऐसा होता है, किसी कन्या या लड़की की शादी करी जाती है, घर परिवार में किसी बहन की शादी की जाती है, तो यहां पे गवर्नमेंट कुछ लाभ देती है, यहां पे कन्या विवाह सहायता योजना दी जा रही। तो यहां पे जिस कन्या का या लड़की का शादी होती है तो उसमें 55,000 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते हैं। यदि आपके पास में लेबर कार्ड है तभी आपको यहां पे 55,000 रुपये के यहां पे सहायता दी जाती है। दूसरी दोस्तों यहाँ पे गंभीर बीमारी सहायता योजना भी चलती है, मातृ शिशु एवं बालिका मदद योजना चलती है। यदि आपके घर परिवार में किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना में आपको 25 से 30 हज़ार रुपये का लाभ मिल सकता है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों यदि किसी के नाम पे श्रम कार्ड या लेबर कार्ड बना है और उसके घर परिवार में मृत्यु हो जाती है तो उसका आपको बेनिफिट भी यहाँ पे मिल जाता है दोस्तों, ठीक है। उस योजना भी आप लाभ ले, दूसरा आपको यहाँ पे संत रविदास शिक्षा योजना है उसका भी आप लाभ ले सकते हैं। कोई बच्चा आपका 9th या 10वें में यहाँ पे एडमिशन लिया है तो उनका भी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो उसके जरिए बच्चे को साइकिल मिल जाती है, साइकिल की जगह आपको पैसे मिल जाते हैं, तो इस योजना का आप यहाँ पे लाभ ले सकते हैं। फिलहाल यह पोर्टल अभी वर्किंग है, इस पोर्टल पर आप किसी प्रकार का भी आवेदन कर सकते हैं और यह पोर्टल अभी बरकी में है। कभी कभार यह पोर्टल बिजी हो जाता है, तो दोस्तों आप कंफ्यूज नहीं हो, परेशान नहीं हो, क्योंकि यह पोर्टल पे ज़्यादा ट्रैफिक चलता है, हैवी ट्रैफिक चलता है, उस वजह से पोर्टल कभी कभी बिजी हो जाता है, क्योंकि इस पोर्टल को काफ़ी दिनों के बाद में खोला गया है, स्टार्ट हुआ है, इसलिए कभी कभी यह साइट भी बिजी हो सकती है। दोस्तों यदि आपको हमारी जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना।